नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंडअप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले धमतरी से एक बड़ी जानकारी। खेतों में भीषण आग लग गई है, कई एकड़ में आग फैलती जा रही है। पराली जलाने के लिए आग लगाई गई थी और अभी तक फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां पर नहीं पहुंची है। शहर से लगे सहरा डबरी गांव की पूरी घटना धमतरी से पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पराली जलाने के लिए जो आग लगाई गई थी अचानक से खेत में फैल गई है और कई सारे फसलों को अपनी चपेट में लिया है इस आदमी। तस्वीरें आप देखिए, रात के वक्त का ये दृश्य जो कि ये बयां करता है कि अभी भी आग निरंतर फैलती जा रही है। सूचित किया जा चुका है फायर ब्रिगेड की टीम को, लेकिन अभी तक टीम यहां पर पहुंची नहीं है। शहर से लगे सहरा डबरी गांव की पूरी घटना एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। ग्रामीणों ने पराली यहां पर जलाने की कोशिश की थी और उसके बाद ये आग खेतों में फैलती चली गई। सहयोगी अभिषेक इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, मौजूदा क्या स्थिति वहां पर? अवंतिका, देखिए कि ये गर्मी की फसल थी, वो कट चुकी है। उसके बाद जो खेतों में जो ठूठ बच जाती है, जिसको पराली कहते हैं, उसे किसान खत्म करने के लिए इस आसान तरीका अपनाते हैं कि उसे आग लगा देते हैं। ये पराली जलाने की घटना होती है और भीषण गर्मी पड़ रही, सारी की सारी सूखा है और ऐसे में आग बहुत तेजी से फैलती है और ये जो आग है लगातार फैलती जा रही है। अभी तक जो आसपास जो कई सौ एकड़ की खेती है आसपास, अभी एक इलाके में आग है और अगर इस पर जल्दी काबू नहीं पाएगा तो बहुत बड़े इलाके में फैल सकती है, इसकी बड़ी आशंका है। लेकिन अभी तक दमकल की टीम को इसकी ना सूचना है ना जानकारी है। ऐसे में एक बड़ा खतरा है आग के फैलने का, लेकिन अभी तक दमकल की टीम को कोई सूचना नहीं है। और आपको बता दूं कि अक्सर हर गर्मी में ये स्थिति बनती है कि किसान अपने खेतों को साफ करने के लिए, अगली बुआई करने के लिए पराली में आग लगा देते हैं और ये एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। हर साल ये स्थिति निर्मित होती है। अभी की स्थिति बताऊं तो अभी भी आग जल रही है खेतों में, दूर दूर तक आग दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए फिलहाल। और अब बात करेंगे गरियाबंद की, जहां मोबाइल चुराते हुए बच्चे को पकड़ा गया है। मोबाइल चोरी करते हुए ग्रामीणों ने छोटे बच्चे को पकड़ा है। चुरा के रसेला साप्ताहिक बाजार से चोरी करा था। छोटे बच्चे के पास से चोरी के 3 मोबाइल भी बरामद किए गए। बाजार में 5 मोबाइल चोरी होने की जानकारी पाई गई थी और ये शातिर बच्चा यहां पर मोबाइल चोरी करते हुए ग्रामीणों ने देखा, जिसे पकड़ लिया है। पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया है। घटना से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ग्रामीण अक्सर मोबाइल चोरी होने की घटना को लेकर जानकारी पहुंचाते थे पुलिस को, लेकिन आज ग्रामीणों ने यह देखा कि छोटा सा बच्चा मोबाइल चोरी कर रहा था, पुलिस को सूचित कर दिया गया। इधर रायपुर में सट्टेबाजों पर शिकंजा कसा गया है। इंटरस्टेट सट्टा संचालकों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। राजधानी से 3 सट्टेबाज गिरफ्तार हुए हैं। 14 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 2,80,000 नकदी जब्त हुई है। महाराष्ट्र, हैदराबाद और छत्तीसगढ़ से सट्टे का संचालन किया जा रहा था, यह भी जानकारी luckybook.com और James777 ऐप से संचालन किया जा रहा था। ऑडियो मिक्सर मशीन भी जब्त की गई है। बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। अभी मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि वो घर आया हुआ है। उस पर एडिशनल एसपी डीसी पटेल और दिनेश सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम जो है उनके घर पे भेजी गई थी और जब घर को सर्च करने के बाद जो है मन्नू नत्थानी को पकड़ा गया और उस मन्नू नत्थानी को पकड़ कर जब पूछताछ प्रारंभ की गई तो उसने बताया कि वो ऑनलाइन सट्टे का संचालन करता है। कुछ टेलीफोनिक माध्यम से भी करता है और कुछ ऑनलाइन आईडी देकर भी करता है। तो उसकी निशानदेही पर ये एक मिक्सर मशीन है, 14 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, 1 मैकबुक और 2,80,000 रुपये जब्त किए गए हैं। साथ ही उसने बताया कि आईपीएल सीजन के दौरान भी वो सट्टे का संचालन उसके द्वारा किया जा रहा था। वो अलग अलग राज्यों में सट्टे का संचालन करता है और जो उसके फ़ोन से डाटा जब्त किया गया उससे लगभग 20 करोड़ रुपए के लेन देन की हम लोगों को जानकारी मिली है, जो कि अलग अलग नामों से उसमें तो कोड वर्ड में लिखे गए हैं जो पूरे आईपीएल सीजन के दौरान उसके द्वारा संचालित किया गया है। तो उस पर आईटी एक्ट की धारा 66D और जो नया सट्टा एक्ट है की धारा 6 और 7 के तहत जो इसमें अपराध दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी की गई है और इसे भी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। और अब बात करेंगे कोरबा जिले की, जहां खुलेआम रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है। बीओ के नाम पर रिश्वत लेता हुआ क्लर्क देखा गया। बीओ के नाम पर क्लर्क घूस ले रहा था, जिसका वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। शिक्षक से घूस ले रहे क्लर्क हरीश शरण यादव को इस वीडियो में यह भी कहते देखा जाता है कि इसका कुछ हिस्सा बीईओ साहब को भेजना होता है। संजय अग्रवाल कोरबा के बीईओ हैं, अभी भी कुछ कहा नहीं उनकी तरफ से, मीडिया को अभी तक संबोधित नहीं किया गया, लेकिन न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की भी पुष्टि नहीं करता है। सत्यता की अभी भी जांच होना इस वीडियो के बारे में बाकी है। क्लर्क की तरफ से ना ही बीओ की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान।
जशपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जल संसाधन विभाग में हंगामे की स्थिति देखने को मिल रही थी। बीते दिनों ऑफिस में शराब पीकर हंगामा करना एक कर्मचारी को महंगा पड़ता देखा गया। डेटा एंट्री ऑपरेटर कृष्णा राम जो कि अब निलंबित किया जा चुका है, न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। कार्यपालन अभियंता ने निलंबन की कार्रवाई की है। तो जशपुर में विभाग में हंगामा करता हुआ एक कर्मचारी दिखा गया था, ये तस्वीरें आप देखिए, वीडियो लगातार वायरल हुआ। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, फौरन कार्रवाई, कर्मचारी को निलंबित किया गया। और अब दंतेवाड़ा से अगली बड़ी खबर, जहां नशे के कारोबारियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 61 किलो गांजा बरामद किया। इनके हवाले से, गांजे के साथ तीन आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। ओडिशा से बीजापुर की ओर ये गांजा ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर फौरन पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जब्त गांजे की कीमत करीब 9 लाख रुपए आंकी गई है। दंतेवाड़ा के कुआकोंडा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। इधर कांकेर पुलिस ने गांजा और नशीली दवाएं बेच रहे एक जिला बदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि उमाशंकर श्रीवास्तव अपने घर के पास गांजा और नशीली दवाइयों की बिक्री कर रहा है। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने छापा मारा। मौके से 209 पैकेट गांजा और नशीली स्ट्रिप बरामद की गई है। साथ ही तस्कर उमाशंकर को भी गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि उमाशंकर को जिला प्रशासन ने जिला बदर किया था, जिसकी अवधि पूरी नहीं हुई थी। उसके बावजूद वह अपने घर पर रहकर गांजा और नशीली दवाएं बेच रहा था। उमा शंकर श्रीवास्तव हमारा कांकेर के कब्जे से 209 पैकेट में भरा हुआ 2 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट की कार्रवाई की गई है। साथ ही ये आरोपी जो है जिला बदर भी घोषित किया गया था, जिसकी अवधि अभी समाप्त नहीं हुई थी। तो उस पर जो छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई कर न्यायिक। और अब बात बलौदाबाजार की, जहां पुलिस ने दो पक्षों में चल रहे सामाजिक विवाद को आखिरकार सुलझा लिया है। आपको बताएं कि सामाजिक विवाद की सूचना पर एडिशनल SP सचिन चौबे और DSP अभिषेक सिंह यहां पर पहुंचे। दोनों पक्षों के समाज को समझाया, तिरंगा झंडा फहराया, राष्ट्रगान गाया गया। गांव के लोग भी खुशी से झूम उठे और दोनों पक्षों का विवाद, जो कि पिछले 2 दिनों से थम नहीं रहा था, शांत हो गया। बलरामपुर जिले में आयुष्मान त्यौहार मनाया गया और यहां इसी बीच मितानिन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने SDM पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। वाड्रफ नगर BMO को ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का आरोप है कि SDM अक्सर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। दूसरी तरफ SDM का कहना है कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, काम पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें ईमानदारी से काम करने के लिए कहा गया। SDM ने किसी के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों को खारिज किया है। सर, टारगेट पूरा नहीं होने पर या फिर उसके बाद 8 बजे से VC लिया जाता है, 7 बजे तक काम होता है, 1 घंटे में लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं, 8 बजे तक VC SDM साहब द्वारा लिया जाता है और VC के दौरान हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। फील्ड में भी दुर्व्यवहार किया गया है, जैसे मिटाइन पहने हैं वहां पे, जहां पे आयुष्मान कैंप लगा हुआ है तो वहां पे ये नहीं है वो नहीं है, दुनिया भर बोला जा रहा है। उनके साथ स्पष्टीकरण भी उनको दिया गया, काम करने के बाद भी दिया गया है। SDM सर का तो बोल रहे थे कि खाए बिना मर जा रहे हैं, काम बिताने लोग के काम नहीं करने पा रही है, तो सुबह 7 बजे से 7 बजे तक रहेंगे तो खाए बिना तो मरेंगे नहीं, धूप नहीं लगेगा इतना। जून के महीना में चिलचिलाती धूप में हम लोग पूरा विजिट कर रहे हैं, घूम घूम के हम लोग जा जाके बनवा रहे हैं, फिर भी यदि हितग्राही नहीं आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। किसी भी चीज को आगे मैं अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा देता हूँ। सर, हाँ, अभी तो जैसे आए हुए हैं मितानिन और हेल्थ स्टाफ जो फील्ड के आए हुए हैं, उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि हम लोगों के द्वारा कंटिन्यू काम किया जा रहा है सुबह से शाम तक, और SDM साहब के द्वारा कुछ उनके खिलाफ। बहुत बड़ी उपलब्धि इस वाड्रफ नगर की कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और पूरे प्रशासनिक अमले की, जिन्होंने पूरे सहयोग से ये सब कुछ बनाया। और ये जहां तक अभद्रता ये सब चीज की बात बता रहे हैं तो कुछ लोग। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 2 दिनों के रायपुर के दौरे पर है।
रायपुर के सर्किट हाउस में प्रदेश भर के कलेक्टर और एसपी के साथ चुनाव आयोग की टीम बैठक कर रही है। प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होने वाले और राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव की तैयारियों को लेकर दो दिनों तक बैठक होगी और बैठक में जमीनी स्तर पर तैयारी, संसाधन और प्रशिक्षण पर चर्चा होनी है। 8 और 9 तारीख को राज्य के सभी 33 जिलों के कलेक्टर्स और एसपी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरीज है इनका इलेक्टोरल मैन मटेरियल मैनेजमेंट किस तरीके से है, वहां पर इलेक्शन को लेकर के क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, चाहे वो पोलिंग स्टेशन हो, चाहे पोलिंग पार्टीज हो, चाहे ईवीएम हो, वीवीपैट का संधारण है, स्ट्रांग रूम में डिस्ट्रीब्यूशन है और पूरे इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन के दौरान क्या रहेगा, इसकी समीक्षा ईसीआई का डेलीगेशन लेगा। 15 मई से छत्तीसगढ़ के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से राजस्व संबंधी सभी काम ठप्प पड़े हुए हैं। राजस्व विभाग के अति आवश्यक कार्यों में बाधा को देखते हुए राज्य सरकार ने हड़ताल पर एस्मा लगाया था। बुधवार को राज्य सरकार के गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी हुई थी। इसके बाद भी पटवारी संघ की हड़ताल निरंतर चल रही है। एस्मा लगाए जाने से नाराज पटवारी प्रदर्शन की राह पर कॉपियां भी जलाई आदेश की, अपनी मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। इनके आंदोलन को कुचलने के लिए यहाँ पे एस्मा लगा दिया गया है। अरे जितना देर एस्मा लगाने में किए हैं उसी को अगर संज्ञान में लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं तो संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि हमारे प्रदेश के पटवारी क्यों आंदोलन पे हैं। इनके जो मांगे हैं बहुत साधारण सी मांगे हैं। इनकी मांगे हैं भाई स्टेशनरी भत्ता दिया जाए, कंप्यूटर उपलब्ध कराई जाए। बिना कंप्यूटर उपलब्ध कराए, बिना स्टेशनरी भत्ता दिए आप उनसे काम ले रहे हैं तो भाई इसको संज्ञान में लेके इनकी मांगों को तत्काल पूरी करनी चाहिए। इधर रायगढ़ स्थित कोरबा वेस्ट पावर प्लांट के सामने सैकड़ों ग्रामीणों ने रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों के प्रदर्शन की वजह से जाम की स्थिति हो चुकी है, जिसकी सूचना मिलते ही आनन फानन में जिला प्रशासन और उद्योग प्रबंधक मौके पर पहुंचे। इधर ग्रामीणों से बातचीत की, आपको यह भी बताएं कि ग्रामीण वेस्ट पावर प्लांट में स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई जा चुकी है। सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने वेस्ट पावर प्लांट के मुख्य गेट पर बैठकर नारेबाजी की। इधर एमसीबी जिला मुख्यालय मनेरगढ़ के नई लेदरी में एक ऐसा परिवार है जो कि परेशान होकर जनदर्शन के लिए पहुंचा, कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की है। न्याय की गुहार लगाइए कि इच्छा मृत्यु दे दें। इस परिवार का नई लेदरी नगर पंचायत में पोल्ट्री फार्म है, जहां सब काम करते हैं और इसी पोल्ट्री फार्म से उनका घर चलता है। प्रशासन ने 7 दिनों के अंदर पोल्ट्री फार्म को बंद करने का निर्देश दिया था। पिछले 22 सालों से पोल्ट्री फार्म का संचालन यहां पर किया जा रहा है और परिवार मुर्गा पालन का कार्य करता है, लेकिन अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट है, इसलिए पूरा परिवार कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। इच्छा मृत्यु का, इसलिए इच्छा मृत्यु चाहते हैं। हम लोग को जीने खाने नहीं दे रहे, हमारा रोजगार बंद हो जाएगा। छोटा सा फार्म है, 2-4 मुर्गा पाल कर मैं जीवन यापन कर रहा हूँ, वही बंद हो जाएगा तो हम लोग जी के क्या करेंगे सर? हम लोग भूखे मर जाएंगे, मेरे बच्चे अशिक्षित हो रहेंगे, शिक्षा नहीं कर पाएंगे। संबंध में जो नगर पंचायत का नगर पालिका अधिकारी है उसको तत्काल जांच करके अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। इधर रायपुर में दो बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। तालाब में डूबने से दोनों बच्चों की मौत हुई है और तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की आज जान चली गई। उल्ला के लटर्रा की पूरी घटना, पुलिस ने बच्चों के शव को फौरन बाहर निकलवाया और सुबह तालाब में नहाने के लिए दोनों बच्चे पहुंचे थे। जब पता नहीं चल पाया तो परिजन पुलिस के पास पहुंचे और तालाब पर जब तलाशी ली गई तो दोनों के शव पाए गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर अंबिकापुर में भी कुछ इसी तरह की स्थिति, लुंड्रा थाना क्षेत्र में नहाने के दौरान एक नाबालिग की मौत हो गई है। मामला बकना कला गांव स्थित करगीडीही डैम का है। 14 वर्षीय हरिवंश सिंह अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, गहरे पानी में जाने की वजह से डूब गया। अपने दोस्तों को डूबता हुआ देख बाकी दो लड़के मौके से वहां से फरार हो गए। डर से किसी को जानकारी भी नहीं दी और काफी देर तक लड़का घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। इस दौरान डैम के पास उसका कपड़े देखे गए और मौके पर एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से बच्चे के शव को डैम से बाहर निकाला गया। 3-4 दोस्त गए हुए थे, इस दौरान एक युवक जो नाबालिग लड़का है उसकी वहाँ पर डूबने से
जो है वहीं पर डूबने से मृत्यु हो गई है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। इस आधार पर तत्काल जो थाना प्रभारी की टीम मौके पर पहुंची थी, जो कि रात हो गई थी और डैम गहरा होने के कारण इसमें SDRF की मदद ली गई और आज सुबह जो है उनके SDRF की मदद से उक्त बॉडी को निकाल लिया गया है। प्रथम दृष्टिया या पानी में डूबने से मृत्यु होना प्रतीत होता है, इसमें मर्ग इंटीमेशन लिया गया है और मर्ग जांच जारी है। और अब कवर्धा को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल कवर्धा के दौरे पर रहने वाले हैं, जिले का दौरा करेंगे, 1,40,50,00,000 की सौगात देंगे, 24 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होना है, कुर्मी समाज के सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो कल के कार्यक्रम को लेकर ये जानकारी साझा की गई है। कवर्धा पहुंचेंगे कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, 1 अरब से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात, 24 विकास कार्यों का लोकार्पण, 1,40,50,00,000 की सौगात से निवासियों के लिए। और स्पीच बात करेंगे जबलपुर से मिल रही बड़ी खबर की। राइस मिल में आग की जानकारी सामने आ रही है। पाटन स्थित राइस मिल में भीषण आग लग गई है। आग से लाखों रुपए की मशीनें और चावल जलकर खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। हालांकि राइस मिल में जो कर्मचारी उस दौरान काम कर रहे थे वो बाल बाल बचे हैं, राहत भरी बात यही, लेकिन 50,00,000 के नुकसान की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए जबलपुर की राइस मिल जहां पर अचानक से भीषण आग लग गई। वजह क्या रही अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन फौरन इस आग पर काबू पाया गया, 50,00,000 रुपए का नुकसान हुआ। और अब धमतरी की बात करेंगे जहां साड़ी की दुकान में भीषण आग लगी। शहर के बीचों बीच भगत चौक की पूरी घटना। आग लगने का कारण साफ नहीं है, दमकल की टीम आग बुझाने का प्रयास लगातार कर रही है। धमतरी की पूरी सूचना आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां शहर के बीच भगत चौक स्थित है साड़ी की दुकान में यहां आग लगी है। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए, दमकल की टीमें पहुंची हैं, काफी मशक्कत कर रही हैं आग पर काबू पाने के लिए। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। दुर्ग में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन, सम्मेलन को सीएम भूपेश बघेल ने किया संबोधित, चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को दिए गए टिप्स। लव जिहाद धर्मांतरण पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सनातन धर्म को खत्म करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश, इस साजिश को किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे पूरा। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर किया पलटवार, कहा रमन सिंह के समय जितने चर्च बने उतने कभी नहीं बने, 15 सालों में जितना धर्मांतरण हुआ उतना कभी नहीं हुआ। राजनंद गांव में रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश के कांग्रेस सरकार से सभी वर्ग परेशान, सरकार के खिलाफ प्रदेश में चलाएंगे अभियान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने मंत्री से मांगी 4 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट, विधानसभा क्षेत्र और मैदानी लड़ाई में परफॉर्मेंस का मांगा ब्यौरा। कुमारी शैलजा का मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड मांगने पर बीजेपी ने साधा निशाना, पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा मंत्रियों का नहीं मुख्यमंत्री का रिपोर्ट मांगे शैलजा। धमतरी में व्यापारी से 4,00,000 की उगाही की कोशिश, व्यापारी के घर पर्चा फेंक कर दी हमले की धमकी, साइबर सेल ने आरोपी को रायपुर से पकड़ा। मनेंद्रगढ़ में परिवार ने लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार, कलेक्टर से मांगी इच्छा मृत्यु, प्रशासन पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पटवारियों की हड़ताल पर एस्मा लगाने का भी नहीं दिखा असर, पटवारियों ने जलाई एस्मा की कॉपी, 15 मई से हड़ताल पर है पटवारी संघ। दंतेवाड़ा में नशे के कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने 61 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोरबा में बीईओ के नाम पर क्लर्क ने ली घूस, रिश्वत लेने के बाद शिक्षक से बोला क्लर्क, बीईओ साहब को देना होगा हिस्सा। रायपुर में तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत, पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को निकाला बाहर, ओल्ला के लटर्रा की दुर्घटना। रायगढ़ में रोजगार के लिए प्रदर्शन, प्लांट के गेट पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, वेस्ट पावर प्लांट में की रोजगार की मांग। कांकेर में नशीली दवाइयां बेचने वाला गिरफ्तार, घर के पास बेच रहा था नशीली दवाएं, मौके से गांजा और नशीली दवाएं जब्त। कवर्धा में गौ तस्करों को ग्रामीणों ने पकड़ा, ट्रक में भरकर मवेशी ले जा रहे थे कत्ल खाने, ग्रामीणों ने 50 किलोमीटर तक किया तस्करों का पीछा।
बलरामपुर में एसडीएम पर लगा दुर्व्यवहार का आरोप, मिथानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप, एसडीएम का तमाम आरोपों से इनकार। पूर्वा में ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल, सड़कों पर पार्किंग बनी बड़ी समस्या, ट्रैफिक जाम से बढ़ी प्रदूषण और गंदगी। अंबिकापुर में डैम में डूबने से 14 वर्षीय नाबालिग की मौत, पुलिस ने नाबालिग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, घटना की जानकारी से गांव में फंसा माता। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।